फ्लॉप कप्तान की विदाई और नए कप्तान की एंट्री। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जहां पर नए कप्तान के रूप में होंगे मोहम्मद रिजवान। और पाकिस्तानी टीम कुछ दिनों से बहुत दिनों दौर से गुजर रही है बाबर आजम की कप्तानी में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत दिनों में से कोई सीरीज अच्छे से नहीं जीता। बाबर आजम का कप्तानी प्रदर्शन और स्वयं की बल्लेबाजी में बहुत ख़राब रहा। बाबर आजम कमज़ोर टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जहां से उन्होंने बड़ी टीम देखी वो बड़ी टीम के खिलाफ बाबर आजम फस उठ जाते। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को नया वाइट बॉल कैप्टन T20 और ODI का कैप्टन चुना है। और बाबर आजम को टीम में जगह मिली है, लेकिन वो एक खिलाड़ी के रूप में टीम में रहेंगे। टीम में वापसी हुई है पूर्व कप्तान बाबर आजम और इमाद वसीम और तेज गेंदबाज शहनशाह अफरीदी।